मनुष्यता को तीन गुणों की आवश्यकता है। ये तीन गुण हैं गुणज्ञता, आशा और प्रेम, जिनमें सत्यादि की कद्र नहीं। जो अच्छी चीजों को पहचान नहीं सकते वे अपने घमंड में फिरते रहते हैं और आत्मानंद को नहीं पा सकते। इसी तरह जिनमें आशावाद नहीं, यानी जो ईश्वर के न्याय के बारे में शंका रखते हैं, उनका हृदय कभी प्रफुल्लित नहीं रह सकता। और जिनमें प्रेम नहीं यानी अहिंसा नहीं, जो जीव मात्र को अपने कुटुंबी नहीं मान सकते, वे जीने का मंत्र कभी नहीं साध सकते। कई भाइयों को यह कहते सुना है कि पूर्व जन्म में जिसने जैसा किया वैसा ही फल भोग रहा है। यह अहंकार है। जब हमारे माता पिता, स्त्री और बच्चे कष्ट में होते हैं तो क्या यह कहकर हम उनकी उपेक्षा करते हैं? नहीं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो फिर दूसरों के प्रति यह उपेक्षा क्यों? दूसरे को कष्ट में देखकर उनकी उपेक्षा करना और यह कहना कि तुमने पूर्व जन्म में जो किया है भोगो, ईश्वर को जिसे हम दया का सागर कहते हैं उसे राक्षस बना देना है। मनुष्य अपने सच्चे स्वभाव का साक्षात्कार तो तभी कर पाएगा जब वह भली भांति समझ लेगा कि मनुष्य बनने के लिए पशुता या दानवता का त्याग करना आवश्यक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम बंदरों की संतान हैं। भले ही उनकी बात सच है, लेकिन मनुष्य की पशु बनकर जीना और पशु की तरह मर जाने के लिए नहीं जन्म हुआ है। जिस अनुपात में वह अहिंसा को अपने आचरण में उतारता है और स्वेच्छा से अनुशासन के अधीन रहता है, उसी अनुपात में वह पशु वृत्ति से दूर हटता चला जाता है और अपने भवितव्य की ओर बढ़ जाता है। अहिंसा हम पर जो कर्तव्य आरोपित करती है, उनमें से एक यह भी है कि हम निर्बल से निर्बल आदमी के अधिकारों के सम्मान की रक्षा करें।